हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप वाईफाई एंड हॉटस्पॉट दोनों एक टाइम पे अपने फ़ोन में कैसे अनेबल करोगे। अभी तो ये नए वर्जन का फ़ोन है तो आप सभी को मिल जाएगा दोनों एक साथ अनेबल, लेकिन अगर आपका फ़ोन पुराना है और किसी और वर्जन पे या फिर किसी अलग वर्जन पे वर्क करता है एंड्रॉयड 10 में जब ये फंक्शन नहीं आया था, तो आप अगर चाहते हो दोनों एक टाइम पे अनेबल करना, सो गाइज ये सेटिंग देख लीजिए, आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो सिंपल, मैंने यहाँ पे हॉटस्पॉट बंद कर देना है और यहाँ पे ब्लूटूथ वाईफाई मैंने पहले से कनेक्ट कर रखा है। अब आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले मैं इस फ़ोन की सेटिंग सारी ख़त्म कर लेता हूँ। सेटिंग में आ जाना आपको इस फ़ोन में, जिससे आपको हॉटस्पॉट देना है। लेकिन वाईफाई मैंने यहाँ से ले रखा है, कहीं से वाईफाई कनेक्ट कर रखा है और मैं किसी को नेट देना चाहता हूँ, तो हॉटस्पॉट ऑन करते वाईफाई बंद हो जाता है आपके फ़ोन में। तो सिंपल, आप सभी को सेटिंग में आना अपने फ़ोन के, उसके बाद पोर्टेबल हॉटस्पॉट दिख जाएगा या फिर आपका शेयरिंग जहाँ से हॉटस्पॉट शेयर होता है वहाँ पर चले जाना। वहाँ पर आने के बाद आप सभी को दिख जाएगा ब्लूटूथ 3। इसको आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हो अपने सेटिंग में, आपको मिल जाएगा। सिंपल, हर फ़ोन में ये सेटिंग होता है। सिंपल इसको अनेबल कर देना है अपने फ़ोन में। अब यहाँ से मैं अब दूसरे फ़ोन में इंटरनेट चला के आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल, मैंने इस फ़ोन को यहाँ रख देना है और उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इस फ़ोन में आ जाते हैं। तो इसका मैं लॉक खोल लेता हूँ पहले। अब आप सभी को इस फ़ोन में आने के बाद क्या करना है, तो सिंपल आप सभी को यहाँ पे वाईफाई से इंटरनेट नहीं लेना है। अब आप सभी को मैं क्या करता हूँ, सिंपल ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो उस वाले फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन कर लेना आप सभी को इसी टाइम पे, एट अ टाइम आप सभी को इस वाले फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑन कर लेते हैं तो दोनों फ़ोन यहाँ पे ब्लूटूथ शो हो जाएगा। आप सभी को सबसे पहले दोनों फ़ोन को पेयर कर लेना है, उसके बाद आप सभी का कुछ ऐसा आ जाएगा आप सभी के फ़ोन में। अब यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है, सिंपल एरो पे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे दिखेगा इंटरनेट एक्सेस। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप सभी का कनेक्शन होगा, कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे ब्लूटूथ का साइन देख सकते हो, चेंज हो चुकी हो गया है। यहाँ पे बंद करते ही आप सभी देखिएगा, ओके कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ का साइन। अब यहाँ पे अनेबल करते ही आपका फ़ोन इस वाले फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। आप सभी को पता कैसे चलेगा, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो सिंपल कि ब्लूटूथ यहाँ भी चेंज हो रखा है। तो अब आप सभी को इस फ़ोन को साइड में रख देना है। मैंने यहाँ से कोई भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन यहाँ से मैं इंटरनेट दे रहा हूँ वाईफाई से लेके, मोबाइल डेटा ऑफ है। अब आप सभी को मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करके दिखाता हूँ इस फ़ोन में। सिंपल होम पे आते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ आप सभी के सामने यहाँ। तो गाइस, यहाँ पे आप सभी को मैंने सब कुछ बंद कर रखा है आप सभी के सामने, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे मेरा सब कुछ बंद है। अब आप सभी को करना क्या है, तो यहाँ पे सिंपल आपको इंटरनेट यूज़ करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कनेक्टेड आ रहा है ब्लूटूथ पे, आपके ब्लूटूथ पे भी ऐसी कनेक्टेड आना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, और आपका साइन कुछ ऐसा हो जाएगा जब आपका कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट। सो गाइस, अब यहाँ पे यूट्यूब पे चलते हैं आप सभी के सामने। तो यहाँ यूट्यूब वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आप सभी देख सकते हो एकदम सुपर फास्ट इंटरनेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेगा क्योंकि पहली बार कनेक्ट होगा तो ऐसा थोड़ा लेट करेगा, लेकिन आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं खाने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेट वर्क करने वाला है, आप ले भी सकते हो और दे भी सकते हो अपने फ़ोन से इस तरीके से। अगर आपका दोनों चीज़ एक टाइम पे ऑन नहीं हो रहा है तो आप ब्लूटूथ से इंटरनेट यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। सो गाइस, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।